हमारी चार जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हो चुकी हैं, जिसमें से एक परफॉर्मेंस तो जजेस को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। रह गई है इस एपिसोड की एक आखिरी परफॉर्मेंस। देखते हैं ओमी और मरियम बैक स्टेज हमारे वंडरफुल होस्ट फहद के साथ क्या गप्पे मारते हैं। हाय, माय नेम इज ओमी। माय नेम इज मरियम खान। जाकिर। और इस दफा हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं भंगड़ा थीम के ऊपर। हमारी जो सबसे पहले जो एपिसोड हुई थी वो इंट्रोडक्शन राउंड था, जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे और कुछ गलतियां हमसे हुई थी हम इंट्रोडक्शन राउंड में। शायद हम अपनी परफॉर्मेंस अपने जजेस को जस्टिफाई नहीं कर पाए, इसी वजह से कुछ थोड़े बहुत कमेंट्स होते हैं, पर उनके ये कमेंट्स हमने पॉजिटिव तरीके से लिए क्योंकि हमने इस वक्त बिल्कुल कम्प्लीटली भंगड़ा किया, क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसी थीम नहीं डाली, बस सिर्फ भंगड़ा हमने भंगड़ा दिखाया है। मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा ही करेंगे। जी कोमल, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ओमी और मरियम, और उमेर नाम है इसका, अभी मुझे इन्होंने बताया। लास्ट परफॉर्मेंस है आज के एपिसोड की, क्या सोच रहे हो? बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं यार, क्योंकि हमारे से जो पहले जो चार परफॉर्मेंस हो चुकी है काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं और अच्छे कमेंट्स मिले हैं, तो आई होप अपने जजेस को पूरे हम लोग सेटिस्फाई कर सकें और अच्छे नंबर ले सकें और अपने कोरियोग्राफर को सेटिस्फाई कर सकें। क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो? तो सोच रही हूँ भंगड़ा करना है, बस भंगड़ा। अरे वाह, तो जाओ फिर भंगड़ा करके आओ। देखते हैं कि जजेस भी खुश हुए कि नहीं। जी रेशम, जाकिर आपने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया और प्रॉप्स बहुत अच्छी सारी थी, और
आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ओमी, और अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बीच में आप गाने के सारे जितने भी वर्डिंग थे बोल जो भूल गए आप। हमेशा गाने के बोल पहले याद करते हैं, क्योंकि आप थोड़ी जगहों पे भूले हैं। और मरियम जी, आप एक एक्शन को बार बार कर रही थी और उसी को आपने बहुत छोटा करके किया, हाथ जो है खोल के करें। ये वाला एक्शन जो था आपका, आप बहुत अपनी बॉडी को, मतलब एक्शन को बहुत छोटा करके कर रही थी, हाथ आपके यहां जाने चाहिए थे। भंगड़े का मतलब है एनर्जी, हाथ और पांव जहां भी खोलें प्रॉपर खोल के उसको करें, बॉडी को बांधना नहीं है। वाओ, 8 पॉइंट्स, वेरी गुड जी। फैसल जी, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो अभी मैं और मोमी यही बात कर रहे थे कि एक तो तुम्हारा कमबैक अच्छा है, जो तुम्हारी लास्ट परफॉर्मेंस थी उससे बहुत बेहतर है, ठीक है। मोमी, तुम में बहुत पोटेंशियल नजर आ रही है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, बिकॉज यू हैव गुड एक्सप्रेशंस, जो तुम्हारे अंदर एक अच्छी चीज है। अच्छा, मैं जैसे अभी रेशम भी कह रही थी, मोमी भी शायद इस बात से इत्तफाक करेंगे, पहले गाना याद कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है, एक एक लफ्ज का मतलब समझ लेना है, बिकॉज तुम लोगों के पास बहुत टाइम है, ठीक है। गाना सुनते रहो, याद करते रहो, बोल क्या है, बोल का मतलब क्या है, क्योंकि अभी हमारे रीजनल राउंड्स भी आएंगे, तो उसमें हो सकता है कि आपको बलोची गाना मिल जाए या आपको पश्तो गाना मिल जाए, तो जब तक वो एक्सप्रेशन अच्छा होता क्या है, जब आप बोल भूलते हैं तो आप तो एक्सप्रेशन अजीब सा हो जाता है, ठीक है ना, जो कि एक्शन को खराब कर देता है। तो बुरा नहीं था, तुमने बहुत मजे से किया, खुल के किया, लेकिन कहीं कहीं मरियम माशाल्लाह तुम्हें नाचते हुए देख रहा था, मुझे मोनालिजा याद आ रही थी। बहुत जगह पे माशाल्लाह आपने ताल छोड़ी है, वाह 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 वाह। और आपको मैंने इशारा भी किया हल्का सा, वो भी बेचारा वहां बैठा मेरा यू यू कर रहा है। ओह नो तकलीफ। लेकिन कोई नहीं, दैट वाज क्यूट, अच्छा था, नॉट बैड, 6 पॉइंट्स। डोंट वरी, अभी एक जज के पॉइंट्स बाकी हैं। जी मोमी जी, क्या ख्याल था आपका? मैं पहले जाकिर से ही कहूंगा कि वेरी वेल कोरियोग्राफ सॉन्ग, बहुत अच्छी थी कोरियोग्राफी आपकी, और वही वाली बात जो भी फैसल ने की है। मैं अभी मरियम आपकी तरफ में आऊंगा। ओमी, हम यही बात कर रहे थे कि तुम में बहुत पोटेंशियल है, यू हैव गॉट द एक्सप्रेशंस, आपके पास कॉमेडी एक्सप्रेशन भी है, आपके पास इंटेंस एक्सप्रेशन भी है, एट द सेम टाइम यू कैन रोमांटिक भी आप हो जाते हो, तो दैट इज वेरी गुड। मुझे वाकई मैंने तो 12 नजर आई ने, एंड और दूसरी चीज, मैं कमिंग बैक टू मरियम नाउ, मरियम आपने बहुत अच्छा गाना गाया ये वाला। वो सिंक नहीं कर रहा था, तुम सिंक कर रही थी, याद हो गया था। तो कभी कभी बोल आपने नहीं गाने लड़के के जो बोल हैं और लड़की के आपने नहीं, हमेशा याद रखना, सबके लिए मैं यही कहूंगा, आई लव्ड इट, आई लाइक्ड इट, इट वाज सो क्यूट दैट आई एम गोना गो विद। थैंक यू वेरी मच। और ये थी हमारी आज की फाइनल वेरी वर्सटाइल परफॉर्मेंस। इससे पहले कि हम शो कंक्लूड करें, एक छोटा सा रिकैप देखते हैं।
वेलकम बैक. आपने देखा एक छोटा सा पैकेज और आज की हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म होती है और मेरे साथ कोमल रिजी. और एक बार फिर मैं अपने जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. इट्स ओके डोंट वरी. और मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते. मैं फहद मुस्तफा और मैं हूं कोमल रिजवी. विल सी यू नेक्स्ट वीक उसी शो में जिसका नाम है नचले. नचले सारे गम भूल के, नचले अपना दिल थाम के, नचले आसमां चूम के.